ने गिरफ्तार कर लिया है। एजाज पर मुंबई पुलिस का वीडियो बनाकर मजाक बनाने का आरोप है। एजाज को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस का मजाक उड़ाने के आरोप में अभिनेता एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एजाज पर मुंबई पुलिस का वीडियो बनाकर पुलिस का मजाक उड़ाने का आरोप है। वो वीडियो की क्लिपिंग्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। गवाह गांधी जी का नहीं, गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर। यार गवाह गांधी जी का नहीं, गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर, ये वीडियो भी हम देख रहे हैं और इस वीडियो को ही आधार बनाते हुए एजाज खान की गिरफ्तारी कर ली मुंबई पुलिस ने। हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन अभी एक भी इसमें ताजा स्थिति यह है कि एक और वीडियो इससे पहले है एजाज खान ने बनाया था, जिसमें उन्होंने कम्युनल हार्मनी जो होते उसको भड़काने की कोशिश की थी। तबरेज का जो कांड सामने आया था, मॉब लिंचिंग जो हुई थी उसको लेकर, उसमें उन्होंने कहीं ना मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की थी उसके आधार पर। और साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने मुंबई पुलिस पर वीडियो बनाया उसके आधार पर, इन दोनों वीडियो के आधार पर पहले एजाज खान को आज बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ के बाद जब एजाज खान सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उसके बाद करीब 4:10 पर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और साइबर सेल का कहना है कि कल उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कहीं ना कहीं एजाज खान के साथ साथ जो इस मामले में 5 और युवक थे जिन्होंने तबरेज मॉबलिंचिंग के बाद एक दंगा भड़काने वाला वीडियो बनाया था, उसमें जो है उन लोगों की अभी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। लेकिन अभी फिलहाल एजाज खान को गिरफ्तारी किए जाने के बाद जो है इस मामले में पुलिस का कहना है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। शुक्रिया दिवाकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।